गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस, जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस का दूसरा नाम होता है वर्जिन बर्थ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्जिन बर्थ। और पार्थिनोजेनेसिस जो होती है, इट इज़ ए मॉडिफाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर जो एग होता है, वो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। सो इट इज़ ए मॉडिफाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए एग डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, दैट वाज डन बाय चार्ल्स बॉनेट। चार्ल्स बॉनेट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, किस किस के अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है? कुछ एग्जांपल्स हैं पार्थिनोजेनेसिस के, जैसे कि हमारे पास रोटीफर्स हैं, एक फाइलम होता है रोटीफेरा, जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दूसरा, क्रस्टेशियंस हैं जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, एग्जाम्पल है डैफनिया। इंसेक्ट ग्रुप में हमारे पास हनी बी है, बिटल्स हैं, एफिड्स हैं, अरेकेनिड्स जिसमें स्पाइडर्स आते हैं, माइट्स आते हैं, टिक्स आते हैं। लिजार्ड्स के अंदर हमारे पास एक लिजार्ड जिसका नाम है विप टेल लिजार्ड, कॉमन नाम है उसका, और इसको साइंटिफिकली हम लेसर्टा सेक्सिकोला अरमाइने का इसको नाम देते हैं। हमारे पास एक स्नेक है, इंडियन स्नेक है, टिप्लिना ब्राह्मिना, जिसको हम ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। और एक बर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टर्की बर्ड। इनके अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो ये तो बात होगी किसकी, एग्जाम्पल्स की। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनोजेनेसिस दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड नेचुरल एंड सेकंड वन इज नोन एज आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। ये दो टाइप होगी किसकी, पार्थिनोजेनेसिस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। ये नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, फिर इसकी फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है, उसको हम कहेंगे कंप्लीट या ओब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। इसका मतलब है कि इन इंडिविजुअल्स में जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस। दीज ऑर्गेनिजम्स दे ब्रीड एक्सक्लूसिवली बाय पार्थिनोजेनेसिस। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही होती है। दूसरा कोई मेथड इसके अंदर नहीं होता। और इन इंडिविजुअल्स के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर मेल इंडिविजुअल नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर क्या पाई जाती है, फीमेल। देर आर नो मेल इंडिविजुअल एट ऑल। एग्जाम्पल की बात करें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस की, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास रोटीफर्स, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, एक माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट होता है जो रोटीफेरा फाइलम से क्या करता है, बिलोंग करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से ही रिप्रोडक्शन होती है। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक लिजार्ड होता है जिसको हम विप टेल लिजार्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लेसर्टा सेक्सिकोला अरमाइने का। इस लिजार्ड के अंदर कोई भी, इस लिजार्ड की पॉपुलेशन अगर आप नोटिस करें, तो इस लिजार्ड के अंदर आपको कोई भी फीमेल नज़र, सॉरी, कोई भी मेल आपको नज़र नहीं आएगा। सारी की सारी जो पॉपुलेशन है, उसमें फीमेल्स होती हैं। मेल्स इसके अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्योंकि फीमेल क्या करती है, एग ले करती है, और वो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाता है, इंडिविजुअल में। तो वो इंडिविजुअल क्या होगी, फीमेल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये एक स्नेक होता है, ब्लाइंड स्नेक कहते हैं जिसको, साइंटिफिक नेम है इसका टिफ्लिना ब्राह्मिना। इसके अंदर भी कोई मेल इंडिविजुअल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इसमें फीमेल्स पाई जाती हैं। फीमेल एग ले करती है, और वो एग किस में डेवलप हो जाता है, इंडिविजुअल के अंदर, पार्थिनोजेनेसिस की। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंप्लीट या ओब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो रिप्रोडक्शन है, वो पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है नेचुरल में, वो है इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, इस
पार्थिनोजेनेसिस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो दोनों मेथड फॉलो करते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और उनमें पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं और वो पार्थिनोजेनेसिस मेथड भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले जो वेल नोन एग्जांपल है दैट इज़ हनी बी। ये आप इसके बारे में सभी जानते हैं। हनी बी जो होती है हमारे पास, इसमें तीन कास्ट होती हैं। ये क्वीन है जो सबसे बड़ी साइज होती है इसकी, ये वर्कर है, ये ड्रोन है। ये ड्रोन एक्चुअल में मेल होता है, क्वीन फीमेल होती है, वर्कर भी क्या होती है, फीमेल। ये स्टेराइल फीमेल होती है, ये मेल होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, ये हैप्लॉयड होता है, और ये फीमेल होती है क्वीन जो डिप्लॉयड होती है। तो इसमें जो ड्रोन होता है, ये जो मेंबर है, ड्रोन जो मेंबर है, ये कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, पार्थिनोजेनेसिस से। क्वीन जो एग ले करती है वो एग पार्थिनोजेनेसिस से क्या बनाता है, ड्रोन। और जो एग फर्टिलाइज हो जाता है वो फर्टिलाइज्ड एग आइदर क्या बनाएगा, क्वीन बनाएगा, या क्या बनाएगा, वर्कर। उसके बारे में हम देखिए ये कैसे डेवलप होते हैं क्वीन और वर्कर। ये जो हनी बी है ये क्वीन है, ये क्वीन क्या करती है, एग ले करती है, राइट। और ये एग फिर डेवलप होता है किसके अंदर, लार्वा के अंदर, ठीक है। और लार्वा किसके अंदर डेवलप होता है, प्यूपा, और प्यूपा फाइनली क्या बनाता है, अडल्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि क्वीन और जो वर्कर है वो कैसे डेवलप होगा। तो वर्कर हनी भी क्या करती है, एक रॉयल जेली सिक्रीट करती है। ये जो आपको वाइट इसमें लिक्विड सा दिख रहा है, ये वाइट लिक्विड क्या है एक्चुअल में, ये एक रॉयल जेली है। ये रॉयल जेली के ऊपर अगर लार्वा फीड करता है तो वो क्वीन बनेगी, अगर वो फीड नहीं करता है तो क्या बनती है, वर्कर बनती है। तो क्या बताया मैंने आपको, मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले चलता हूँ। अगर लार्वा, ये जो इसमें आपको लार्वे दिख रहे हैं, अगर ये लार्वा किसके ऊपर फीड करते हैं, रॉयल जेली के ऊपर, अगर ये लार्वा किसके ऊपर फीड करते हैं, रॉयल जेली के ऊपर, तो वो क्वीन बनेगी, अदरवाइज वो क्या बनेगी, वर्कर। और ड्रोन है वो मैंने आपको बता दिया, वो किसके द्वारा, कौन से मेथड के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा। दूसरा जो एग्जांपल है वो है डैफनिया। डैफनिया एक क्रस्टेशियन होता है, ये डैफनिया का डायग्राम है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं डैफनिया जो कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा की कौन सी क्लास में, क्रस्टेशिया क्लास में। तो ये जो डैफनिया है जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये कौन सा मेथड फॉलो करता है रिप्रोडक्शन का, पार्थिनोजेनेसिस। अगर कंडीशंस कैसी हैं, अनफेवरेबल, तो ये कौन सा मेथड फॉलो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर दोनों तरह का मेथड फॉलो हो रहा है, तो इसलिए हमको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक बर्ड होता है जिसको हम कहते हैं टर्की बर्ड। ये जो बर्ड है ये बर्ड भी इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस फॉलो करता है। इसमें जो मेल्स होते हैं, 40% जो मेल्स की पॉपुलेशन है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, और 60% रिमेनिंग जो मेल्स हैं और फीमेल्स हैं वो फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा, मीन्स वो कौन से मेथड के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो मेल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, सारे मेल्स नहीं, ओनली 40% मेल, रिमेनिंग मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मेथड एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मेथड। तो ये टर्की बर्ड की बात हो गई। उसके बाद जो तीसरी टाइप की नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उसको हम कहते हैं पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। ये जो पार्थिनोजेनेसिस है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर पाई जाती हैं जिनके अंदर लार्वल स्टेज क्या प्रोड्यूस करती है, एग्स। जिनके अंदर लार्वा क्या प्रोड्यूस करता है, एग, और वो जो एग होता है वो पार्थिनोजेनेटिकली नई जनरेशन्स बनाता है किसकी, लार्वे की। इसको एक बार दोबारा से सुन लीजिए, पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम एग्जांपल लें किसका,
लीवर फ्लूक का। तो लीवर फ्लूक का आपने नाम सुना है, ये प्लेटी एलमेंथिस फाइलम में आता है। इसके अंदर जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, वो लार्वल स्टेजेस क्या ले करती हैं, एग्स। लार्वल स्टेजेस एग रिलीज करती हैं और वो एग्स पार्थिनोजेनेटिकली ही नई जनरेशंस बना देते हैं किसकी, लार्वा की। ठीक है, तो ये लीवर फ्लूक है, जैसा आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास के अंदर। तो ये जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसकी लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। पहली जो लार्वल स्टेजेस है उसको हम कहते हैं मीरासीडियम लार्वा है, दूसरा है स्पोरोसिस्ट। तो ये जो सेकेंड लार्वल स्टेज है, ये सेकेंड लार्वल स्टेज क्या करती है, पार्थिनोजेनेसिस, और पार्थिनोजेनेसिस से ये थर्ड लार्वल स्टेज बनाती है जिसको हम कहते हैं रेडिया, रेडिया लार्वा। और ये रेडिया लार्वा फिर पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस से नेक्स्ट लार्वल स्टेज प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं सिरकेरिया, और सिरकेरिया लार्वा मेटा सिरकेरिया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो स्पोरोसिस स्टेज है और जो रेडिया स्टेज है, ये दो लार्वल स्टेजेज हैं, ये पार्थिनोजेनेसिस मेथड से क्या करती हैं, नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ये कहलाता है पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। मीन्स लार्वल स्टेज क्या प्रोड्यूस करती है, एग, और वो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट लार्वल स्टेज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये देखिए एक डायग्राम है लाइफ साइकिल, अगर हम देखें तो ये लीवर फ्लूक अडल्ट है, यहाँ पे इसने क्या ले किया, एग। एग डेवलप हुआ किस में, मीरासीडियम लार्वा में। मीरासीडियम लार्वा किस में कन्वर्ट हुआ, स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट ने पार्थिनोजेनेसिस मेथड से कौन से लार्वे बनाए, रेडिया। रेडिया ने पार्थिनोजेनेसिस से क्या बनाया, सिरकेरिया। सिरकेरिया किस में कन्वर्ट हो गया, मेटासिरकेरिया के अंदर। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस कैसे होता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है पार्थिनोजेनेसिस की, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। ये आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स के एग्स, जैसे एनिलीड्स, मोलस्क, स्टारफिश, फ्रॉग, हैन एंड रैबिट, इन एनिमल्स के एग को अगर हम क्या करें, स्टिमुलेट करें केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से, तो इनके एग्स होते हैं वो पार्थिनोजेनेटिकली क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम फिजिकल मेथड से अगर हम फॉलो करें, तो हम किसी नीडल को लेके अगर एग को प्रिक करें, थोड़ा सा टच करें, तो वो एग अपने आप क्या हो जाता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक दें या टेम्परेचर चेंज करें मीडियम का या पीएच चेंज करें, तो भी वो एग पार्थिनोजेनेटिकली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सिमिलरली अगर जिस मीडियम में एग है, उस मीडियम का केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन अगर हम चेंज करें, अगर वहाँ पे हम यूरिया ऐड कर दें, फैटी एसिड यूज़ कर दें, ईथर ऐड कर दें, क्लोरोफॉर्म ऐड करें, या वाटर की अमाउंट को चेंज कर दें, तो वो एग पार्थिनोजेनेटिकली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है एक नए इंडिविजुअल के अंदर। तो ये बात हुई किसकी, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस की। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टाइप है पार्थिनोजेनेसिस की, दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं अरहिनोटोकी। अगर पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल इंडिविजुअल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, अरहिनोटोकी। ओनली मेल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थ। ये केस ऐसा किस में देखने को मिलता है, हनी बी में, जैसे मैंने बताया पीछे ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं माइट्स के अंदर, और किसके अंदर, वास्प के अंदर। तो इस टर्म को हम कहते हैं अरहिनोटोकी। दूसरी जो टर्म है उसको हम कहते हैं थिलीटोकी। थिलीटोकी का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, फीमेल, जैसा पीछे मैंने आपको बताया विपटेल लिजार्ड के अंदर और ब्लाइंड स्नेक के अंदर। नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम कहते हैं एम्फीटोकी। एम्फीटोकी का मतलब होता है यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड। पार्थिनोजेनेसिस है लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेल भी प्रोड्यूस हो रही है और फीमेल। तो इसका एग्जाम्पल है एफिड।
ठीक है। तो ये टाइप्स हो गई किसकी, पार्थिनोजेनेसिस की, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। थैंक यू।